सो आई हैव डिसाइडेड कि नेक्स्ट वीक से आई व्हाट्स अप वेलकम बैक गाइस। सो बल्क करते हुए मेरे को 4 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे एंड मेरे को 4 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे, जस्ट 2 डेज लेफ्ट। सो मंडे से आई विल बी ईटिंग ऑन अ मेंटेनेंस कैलोरीज। मैं बल्क पे हूँ अभी, कट या मेंटेनेंस मैंने शुरू नहीं करा है। सो क्यों मैं मेंटेनेंस कैलोरीज पे जा रहा हूँ, इसका रीज़न है कि लास्ट 4 वीक्स से लाइक ऑलमोस्ट 28 डेज हो गए, 4 वीक्स 29 डेज, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा अगर आप लगाओ। सो उसके अंदर मैंने एक सरप्लस में खाया है एंड वो सरप्लस 300-400 कैलोरी का नहीं था, दैट वॉज ऑलमोस्ट 700 कैलोरीज। ऑल दो दैट वर क्लीन कैलोरीज, बट एक चीज़ होती है अभी 1 वीक जैसे मैं मेंटेनेंस पे खाऊंगा, इसका रीज़न ये है इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होती है, जैसे आप कोई भी ग्लूकोज खाते हो, कोई भी फूड खाते हो कार्बोहाइड्रेट्स में, वो एट द एंड जाके कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में एंड ग्लूकोज आपके सारे डाइजेशन प्रोसेस के बाद आपकी ब्लड स्ट्रीम में आता है। जब ब्लड स्ट्रीम में आता है तो उसको शटल करने के लिए, उसको सेल्स तक पहुंचाने के लिए, उसको हर एक ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज नोन एज इंसुलिन। सो इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होती है, जैसे आपने शुगर खाई, कुछ भी खाया, इंसुलिन पैनक्रिया से निकला, उसने जाके उसको सेल्स तक पहुंचा दिया, एनर्जी मिली ब्रेन को भी, हर एक बॉडी या सेल को। उसके बाद क्या होता है, ओवर द टाइम जैसे आप बल्क में ज़्यादा खाते हो थोड़ा, तो पैनक्रियास को ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है ज़्यादा न्यूट्रिएंट शटल करने के लिए। सो एक तो ये रीज़न होता है कि उस पैनक्रियास को रेस्ट मिल जाए 1 वीक का एंड इनसे उसमें आप वेट ट्रेनिंग कंटिन्यू रखो अपनी, सैलड्स कंटिन्यू रखो अपना एंड कार्डियो भी कंटिन्यू रखो। सो उससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। सबसे बड़ा मेजर फैक्टर इंसुलिन सेंसिटिविटी का स्लीप है, अगर आप सोओगे तो उससे भी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। सो अगर 1 वीक अब मैं इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाऊंगा तो एक तो उसको रेस्ट मिल जाएगा, दूसरा जो इंसुलिन की हैवी डोजिंग जो पैनक्रियास निकाल रहा था अब वो धीरे 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 कम निकालेगा। ऑल्सो आई हैव डिसाइडेड कि नेक्स्ट वीक से आई विल पुट जो भी क्रक्स होगा डे 1 से लेके डे 3 का, डे 3 से लेके डे 7 तक का, पूरे 1 वीक का 2 से 3 वीडियोज रहेंगी, उसके अंदर आपको क्रक्स मिलेगा कि बल्किंग में चल क्या रहा है। रीज़न ये है डेली मैं नहीं पुट कर सकता, इतना मेरे पास टाइम नहीं है करना, और वो सब करना बहुत एक मुश्किल टास्क है यार, जो भी लोग कर रहे हैं इट टेक्स टाइम यार, आप बैठे रहते हो 3-4 घंटे कंप्यूटर्स पे, जो लोग अपनी वीडियो खुद एडिट करते हैं। सो पहले लगता था ऐसा कि यार बहुत ईजी होगा, बट अब कर रहे हैं तो समझ आ रहा है इट्स डिफिकल्ट, बट ठीक है कोई नहीं, मेरे पास जितना टाइम है आई कैन मेक 2-3 वीडियोज अ वीक, 2 मोस्ट प्रोबेबली मैं बनाऊंगा। एंड उसके अंदर क्या होगा, जैसे आप फुल डे ऑफ ईटिंग देखते हो, कुछ भी देखते हो यूट्यूबर्स की, किसी की भी, प्रॉब्लम क्या है कि यार बल्किंग में क्या है, सेम रिपीटेटिव आपका वही चल रहा है, अब वही चलेगा सेम आप वीडियोस देख के भी बोर हो जाओ। सो जो भी क्रक्स होगा डे 1 टू डे 3 जैसे मैंने बताया, आई विल पुट दैट एंड फिजिक अपडेट। बल्किंग में बहुत बहुत स्लो होती है, अगर आपकी बल्क में बॉडी चेंज हो रही है वो इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है। अभी मेरे को 4 हफ्ते हुए हैं, अभी स्टार्टिंग थी ये, उससे पहले भी मैंने एक मेंटेनेंस कैलोरी का वीक करा था, बहुत अच्छे मेरे को उसके रिजल्ट्स आए हैं। सो आई एम डूइंग इट अगेन, बट बल्किंग क्या है आपको धीरे 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 धीरे, अब जैसे मेरे टोटल 12 वीक्स की बल्किंग है ये, इसके अंदर 1 वीक तो मेरा मेंटेनेंस में चला जाएगा, बाकी जो 11 वीक्स है बाकी जो मेरे 9 वीक्स है, बिकॉज 3 वीक्स में यही करूँगा फॉर 3 मंथ्स, उसके बाद प्रोग्रेस कुछ आप देख पाओगे कि हाँ बॉडी में चेंज आया है। सो बल्किंग में एवरीडे देखना इज़ यूजलेस, आपके भी किसी काम का नहीं है, आप रोज वही कंटेंट देखे जा रहे हो, कुछ उसमें चेंज नहीं हो रहा है, ही इज डूइंग और शी इज डूइंग द सेम थिंग। सो आई फील लाइक जो भी इसके अंदर बेस्ट होगा, टिप्स ट्रिक्स होंगी, मैं वो शेयर करूँगा आपके साथ, सो दैट विल बी मच बेटर आपके लिए भी मेरे लिए भी एंड आप बोर भी नहीं हुए सेम चीज़ें सेम कुछ करके। सो आप बल्किंग में 3 मंथ्स बाद मेरी बॉडी में कुछ प्रोग्रेस देखोगे एंड वो प्रोग्रेस भी आपको ऐसे लगेगी टिश्यू गेन हुआ है, मसल टिश्यू की बात कर रहा हूँ मैं, बट वो सॉफ्ट लगेगी बॉडी। रीज़न इज जब आप सरप्लस में खा रहे हो अपनी बॉडी को एनाबॉलिज्म प्रोवाइड कर रहे हो, सो कहीं ना कहीं द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो आप खा रहे हो, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज 100% कैलकुलेटेड, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है एंड वी ट्राई टू पुट आवर बॉडीज इन दिस सिचुएशन कि हम शार्प ना रहें, ताकि बॉडी एक कैटाबॉलिक स्टेट में ना रहे, कॉन्स्टेंट उसके पास फूड हो एंड वो एक एनाबॉलिज्म के आसपास घिरी रहे, सो उसको हर चीज़ मिलती रहे, चाहे वो क्रिएटिन हो, वाटर हो, फूड हो, प्रोटीन हो, हर चीज़। जो वो न्यू मसल टिश्यू गेन होगा वो आपको जब मैं कट करूँगा तब शो होगा। सो ऑलवेज ना बल्किंग टू बल्किंग पिक्स कंपेयर होती हैं एंड कटिंग टू कटिंग पिक्स कंपेयर होती हैं, जो मेरी लास्ट कटिंग की पिक थी वो मेरी अब जो मैं कटिंग करूँगा गेनिंग के बाद उससे कंपेयर होगी, जो मेरी लास्ट बल्किंग की पिक थी वो मेरी कंपेयर होगी अब की बल्किंग के
एंड लोग एक्चुअली में ना गलत कंपेयर करते हैं, वो खाली बल्क एंड कट को कंपेयर करते हैं। बल्क में आप पूरे डिफरेंट सिनेरियो में हो, कट में आप पूरे डिफरेंट सिनेरियो में हो। अगर आपको प्रोग्रेस मेजर करनी है तो वैसे मत करो, जो लास्ट आपका कटिंग का वेट था उसको आप पकड़ो एंड जो आपका अप कटिंग का वेट है आप उसको पकड़ो और फिर देखो कि आपने एक्चुअली में कितना टिश्यू गेन करा है। एंड ऐसा हो सकता है कि आपकी फिजिक में ज़्यादा चेंज ना आए बट वो मसल वहाँ पुट ऑन हुआ है। अगर आज 2-2.5 किलो हुआ है तो नेक्स्ट जो आप बल्किंग लगाओगे उसके अंदर 2-2.5 किलो और होगा, तो वो पूरा मेजर चंक बन के जो 5 kgs है ऑफ मसल वो अलग से ही शो होगा नेक्स्ट बल्क में। सो इवन दो आपकी कटिंग में आपकी बॉडी माइट भी सेम लग रही हो बट आगे जाके बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। रीजन यही है कि वो स्लोली स्लोली जो मसल पुट हो रहा है ना, वो एक बार जब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाएगी, 4-5 किलो की मसल आपने ऐड कर ली है, देन वो अलग से ही दिखेगी। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में एंड आज करेंगे वर्कआउट विद माय फ्रेंड शोभित। शोभित मेरे बचपन का दोस्त है, वो देहरादून रहता है, अभी आया हुआ है यहाँ पे कुछ टाइम के लिए। सो ही इज ट्रेनिंग इन माई जिम बट हम साथ में वर्कआउट नहीं कर पाते बिकॉज उसका रूटीन मेरा रूटीन नॉट वर्कआउट रूटीन जो डे का रूटीन है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बट आज मैं उसके बाद वर्कआउट करूंगा। सो एंजॉय करिए रॉ वर्कआउट एंड वी विल बी डूइंग शोल्डर्स, एक दूसरे को पुश करेंगे टू द लिमिट्स एंड उसके बाद करने में मजा भी आता है बिकॉज वो सेम इंटेंसिटी से ट्रेन करता है मेरे साथ। बाकी अगर मैं किसी के साथ करता हूँ तो वो लाइट वेट्स पे होता है, थोड़ा बहुत मतलब सिमिलर वेट में भी मतलब बहुत ही कम सेट्स होते हैं। सो मजा नहीं आता अगर ट्रेनिंग पार्टनर आपके साथ की इंटेंसिटी पे खींच रहा है ना आपके साथ, आपको और मोटिवेशन आएगी यार इसने 10 मारे मैं तो 12 लगा के दिखाऊंगा। इट हैपन्स, आप करके देखना, किसी की बराबरी या कंपटीशन चीज़ नहीं होती, इट्स लाइक गुड कंपटीशन आप लगा लो, मज़ा आता है करने में। एंड जब भी मैं अकेला करता हूँ मैं, उसका रीज़न ये नहीं है कि कोई और पार्टनर नहीं है या कुछ नहीं है, इट्स जस्ट कि मेरा शेड्यूल बहुत अनइवन रहता है। सो मैं खुद अपने आप को मैनेज करके टाइम निकाल लेता हूँ वर्कआउट करने का, कि वर्कआउट ना मिस हो मेरा किसी और की वजह से, और किसी और का भी ना हो कि हमने टाइम दिया है हम 6 बजे आ जाते हैं वर्कआउट कर लेते हैं, बट हो नहीं पाता है। सो मैक्सिमम मैं हमेशा स्टार्टिंग से ही अकेले ही करते आया हूँ मैं, एंड मेरे को बहुत आदत है कि अकेले वर्कआउट करो, जल्दी जाओ जिम में करके अपना वापस आओ। सो शुरू करते हैं वर्कआउट। Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get, I don't really take a loss, well I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah I commit. And no I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only 1%. I'm gonna take shots, if I miss all forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic. Try.
fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. सो आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो. अगर आप लोगों को ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट डाउन करिए. अगर आपको लगता है कुछ ऐसा टॉपिक है जो अभी किसी ने कवर नहीं करा है एंड उसके बारे में आपको जानना है, नहीं पता लग रहा है, फॉर बोथ नेचुरल एथलीट्स एंड एनहांस एथलीट्स दोनों कमेंट करिए एंड बताइए. अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको डिटेल इन्फो चाहिए या ओवरव्यू चाहिए, आई विल शेयर बोथ ऑफ देम. एंड ऑल्सो अभी इस चैनल पे बहुत बहुत कंटेंट मैं डालूंगा फॉर बोथ नेचुरल एथलीट्स एंड एनहांस्ड एथलीट्स. कुछ फर्क नहीं है दोनों में, वी ऑल बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी, वी आर अ सेम ग्रुप ऑफ पीपल. सो दोनों के लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग एंड न्यू इसके अंदर ऐड करेंगे चैनल के अंदर. मैटर नहीं करता आप नेचुरल हैं या एनहांस्ड हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.